हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन पाठशाला में। मैं हूं रवि बुटोला। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है दुबई। दुबई में ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा ऐप आपातकाल के दौरान नागरिकों की मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 दिवसीय ज्ञान कुंभ का उद्घाटन कहां पर किया? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है हरिद्वार। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत में किस देश से हीरे खरीदने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे एक अफ्रीकी देश है और इस देश के साथ भारत ने हीरों को खरीदने के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में हाल ही में निर्मित सिग्नेचर पुल का उद्घाटन किया गया है, इसकी लंबाई है? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है 675 मीटर। यह 675 मीटर लंबा पुल है जो कि यमुना नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है समुद्री जहाज INS विराट को कौन सी राज्य सरकार पर्यटन के तौर पर प्रयोग करेगी? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार INS विराट को प्रयोग करेगी पर्यटन के तौर पर। INS विराट भारत का एक युद्धपोत था जो कि 20 साल सेवा देने के पश्चात ये रिटायर हो चुका है। अब इसका प्रयोग किया जाएगा पर्यटन के तौर पर। अगला क्वेश्चन है किस शहर को भारत का पहला न्यायिक शहर बनाया जा रहा है? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है अमरावती। अमरावती एक शहर है आंध्र प्रदेश राज्य का जो कि वर्तमान समय में निर्माणाधीन है। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की संयुक्त राजधानी है हैदराबाद। जब ये नगर पूर्ण बन जाएगा तो उसके पश्चात आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी अमरावती। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड कॉर्पोरेट गेम्स 2019 का आयोजन कहां पर होगा? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है कतर। कतर एक खाड़ी देश है, यहां पर आयोजन होगा वर्ल्ड कॉर्पोरेट गेम्स 2019 का। अगला क्वेश्चन है 10वीं महिला विश्व बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2018 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली में किया जाएगा आयोजन विश्व बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2018 का आयोजन। इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है मैरी कॉम। ये मणिपुर की खिलाड़ी हैं और ये BSNL की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इसके साथ साथ ये 5 बार की विश्व बॉक्सिंग चैम्पियन भी रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है किस राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है तिरुपति। तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय जो विश्वविद्यालय है उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। यहाँ पर तिरुपति बालाजी मंदिर भी स्थित है जो कि भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का राज्य का प्रथम इको पार्क कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है नैनीताल। नैनीताल के सूखाताल नामक स्थान पर इको पार्क स्थित है जो कि राज्य का प्रथम इको पार्क है। अगला क्वेश्चन है पौड़ी टाइम्स का संपादन किसके द्वारा किया गया था? चार ऑप्शन आपके पास और सही उत्तर है नरेंद्र सिंह भंडारी। नरेंद्र सिंह भंडारी द्वारा किया गया पौड़ी टाइम्स का संपादन। अगला क्वेश्चन है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि किस स्थान पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास और सही उत्तर है दूधातोली। दूधातोली नामक स्थान पर स्थित है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि। कमेंट में लिख के बताइए कि पेशावर कांड जिसके जो नायक रहे हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ये कब हुआ? अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संस्थान हेस्को संबंधित है? चार ऑप्शन आपके पास और सही उत्तर है डॉक्टर अनिल जोशी। डॉक्टर अनिल जोशी इस संस्थान के निर्देशक हैं। हाल ही में इन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कृत भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है मल्लिकार्जुन मंदिर किस स्थान पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास और सही उत्तर है धारचूला। धारचूला नामक स्थान पर स्थित है मल्लिकार्जुन मंदिर।
ये मंदिर पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खुदरी परियोजना किस नदी पर कार्यरत है? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है यमुना नदी। देहरादून में यमुना नदी पर खुदरी परियोजना कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र आँख मिचोली का संबंध है? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है माणकू। माणकू एक चित्रकार थे और इनका ये प्रसिद्ध चित्र है आँख मिचोली। अगला क्वेश्चन है, चांदी से निर्मित पुलिया आभूषण का धारक अंग कौन है? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है पांव। पांव में इस आभूषण को पहना जाता है और ये जोहारी क्षेत्र का प्रमुख आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, सरयू व पूर्वी राम गंगा के संगम पर कौन सा स्थान स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है रामेश्वर। रामेश्वर धाम चंपावत जनपद में सरयू व पूर्वी राम गंगा के संगम पर स्थित है। कमेंट में लिख के बताइए कि सरयू और काली नदी के संगम पर कौन सा स्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, त्रियोगी नारायण तीर्थ किस जनपद में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास और सही उत्तर है रुद्रप्रयाग जनपद। रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है यह धाम। यहाँ पर भगवान विष्णु की उपस्थिति में भगवान शिव व पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर को समाप्त किया? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने विवाह पर कर को समाप्त किया था। कमेंट में लिख के बताइए कि कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है कनाडा। कनाडा में सर्वाधिक अखबारी कागज के लिए का प्रयोग किया जाता है, यानी उत्पादन किया जाता है। वहाँ पर शंकुधारी वन काफ़ी मात्रा में उपस्थित हैं, काफ़ी बड़ा वन क्षेत्र उपस्थित है कनाडा में, इसलिए वो सबसे बड़ा अखबारी कागज का उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है, वायदा मापी में अचानक गिरावट किसका संकेत प्रदर्शित करता है? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है तूफान। जब वायदा में गिरावट आती है तो उसका मतलब होता है कि तूफान आने वाला है, क्योंकि तूफान जब भी चक्रवात आता है तो वहाँ पर निम्न वायदाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई? चार ऑप्शन आपके पास और सही उत्तर है सितंबर 1956। सितंबर 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चार ऑप्शन आपके पास और सही उत्तर है 1913। 1913 में इनकी प्रमुख रचना गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा नदी था? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है ब्यास नदी। ब्यास नदी का प्राचीन नाम था विपाशा नदी। कमेंट में लिख के बताइए कि ब्यास नदी किस राज्य से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद शूरसेन का वर्तमान नाम क्या है? चार ऑप्शन आपके पास और सही उत्तर है मथुरा। अगर हम महाजनपदों की बात करें तो इनका संबंध है गुप्त काल से और महाजनपदों की संख्या थी 16। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास और सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में हाथी गुफा मंदिर स्थित है। ये जैन स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है कश्मीर। कश्मीर में किया गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। ये कुषाण काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस स्तंभलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके पास और सही उत्तर है इलाहाबाद। इलाहाबाद स्तंभलेख को कहा जाता है रानी का अभिलेख। इन अभिलेखों का निर्माण किया गया था अशोक काल में, यानी अशोक द्वारा किया गया था। अगर हम भारत में शिलालेखों की बात करें तो उनकी संख्या है, जो अशोक के शिलालेख हैं उनकी संख्या है 14 और स्तंभ लेख हैं 7। अगला क्वेश्चन है, अगले जो 5 क्वेश्चन इनका उत्तर देंगे आप हमारे कमेंट बॉक्स में, और जो पिछले क्वेश्चन थे अभ्यास के उनका उत्तर आपको मिलेगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन है, तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? चार ऑप्शन है आपके पास। अगला क्वेश्चन है, किस भूराजस्व कर व्यवस्था को सर्वाधिक क्षेत्र पर लागू किया गया था? यह ब्रिटिश काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई?
अगला क्वेश्चन है, लोक शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था? ये लाल मैकाले के कार्यकाल में जब शिक्षा की पद्धति को बदला गया था तो उस समय लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया था। अंतिम क्वेश्चन है, चेचू आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो इसमें भी चार ऑप्शन है, आपको सही उत्तर देना है। तो दोस्तों इन पांचों क्वेश्चनों का उत्तर देना है आपको हमारे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।